देखिए फ्रेंड, किसी ने मेरे से पूछा था कि आप कैसे मलाई निकालते हो। तो ये मेरी एक हफ्ते से कम की मलाई है, क्योंकि आज है जन्माष्टमी, इसलिए मैं मक्खन निकालूंगी। ये देखिए, मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, बाहर नहीं रखना है। अगर आज आपको मक्खन निकालना है तो कल रात को शाम को बाहर रख देना है, पूरी रात बाहर ही रहने देना है फ्रिज से। ये देखिए, ये मेरी मलाई है ये, और इसमें मैं एक गिलास पानी डालूंगी। ये देखिए, एक गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब हम इसको फेंट लेंगे। हमारे यहाँ इसको ऐसे ही करते हैं। ये देखिए, मैं इसको भी फेंटूंगी, और आपको सिर्फ ऐसे ही घुमा घुमा के ही निकलता है, ताकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये ऐसे पुराने लोग तो ऐसे ही निकालते थे पुराने ज़माने में। अभी है मिक्सी से, ये सब मिक्सी से तो मैं निकालती नहीं, मुझे पसंद नहीं। मैं हाथ से ही ऐसे कर लेती हूँ। कोई नहीं, 10-5 मिनट ज़्यादा लगता है, बट अच्छा होता है। इससे निकाला हुआ मक्खन अच्छा होता है। ये देखिए, 10 से 15 मिनट में हमारे मक्खन निकल गई। ये देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक हफ्ते की मलाई रखनी है और उसको फ्रिज में ही रखना है। बाहर तो स्मेल करने लगती है डेली डेली का, और जिस दिन कल आपको निकालना है मक्खन, मतलब घोरना है, हमारे इसको घोरना बोलते हैं, उसके एक दिन पहले शाम को बाहर निकाल दीजिए। और फिर सुबह जो आपके हिसाब से आपको पानी कितना डालना है, 1 गिलास 1.5 गिलास मलाई के हिसाब से। ये देखिए, हमारा मक्खन 10 से 15 मिनट में निकल गया है। ये देखिए, आज मेरे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए मक्खन निकल गया है। अब मैं इसको अलग से रख लेती हूँ। ये देखिए, हमारा मक्खन और ये मट्ठा निकल गया है। ये मेरा इस बार का कम ही दिन का था, 5-6 दिन का। मैं तो ज़्यादातर 10 दिन में निकालती हूँ, तो इस कटोरी में भर के निकलता है। आज मुझे कान्हा जी को भोग लगाना था, इसलिए मैंने निकाल लिया। ये देखिए, और आप ये मट्ठे को भी मत फेंकिए, क्योंकि इसका यूज कढ़ी बना लीजिए, दही वाले आलू बना लीजिए, इसी को डाल के बना लीजिए। और ये रही हमारी, मक्खन निकल के रेडी हो गया है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। रेनू रिवा ब्लॉग में मैं स्वागत करती हूँ आप सबका। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं मक्खन निकालने के बाद मैं आ गई कपड़े सुखाने के लिए। बज रहे थे मॉर्निंग के 6, क्योंकि अभी थोड़ी धूप आ गई है, फिर तो धूप ही चली जाती है, इसलिए मैं कपड़े बाहर सुखा लेती हूँ। बाहर धूप में कपड़े डाल दिए। अब आ गई मैं रूम में, पूरे रूम को सेट कर लेती हूँ। रात को पूरे सामान इधर उधर सब पड़े हुए थे, इसलिए सबको एक जगह अपने जो जहाँ का सामान है मैं उधर रख देती हूँ। मेरे बच्चे ने कपड़े खोल के उधर ही रख दिया। अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा के अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के देखिए बज रहे थे 6:30, और मैं पोछा लगा लेती हूँ। देखिए, धूप भी आ गई है, यहाँ जल्दी धूप आती है और जल्दी चली भी जाती है, इसलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ। फिर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि आज तो जन्माष्टमी है, इसलिए मैं अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, पूरे घर में मेरा झाड़ू और पोछा हो गया। देखिए, पूरा घर झाड़ू पोछा लगने के बाद कितने अच्छे से साफ साफ लगता है। देखिए, मेरे घर में मेरी किचन भी अच्छे से साफ हो गई, पूरे बेडरूम हॉल पूरे, बस ये कपड़े रखे हैं धोने के लिए। फ्रेंड, मेरा काम हो गया, मैंने आपको दिखाया, झाड़ू पोछा मैंने सब कर लिया था। अब मैंने मशीन में कपड़े सुखाने के लिए डाल दिया है। अब मैं जाऊँगी अपना मंदिर साफ करूँगी, और मैंने पहना है ये सूट, देखिए कैसा लग रहा है। इसको मैंने अपने से स्टिच किया था, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में कीजिएगा। अभी मैं जाके अपना मंदिर साफ करके कान्हा जी को नहला के पूजा करके, क्योंकि मेरे मैं हाथ से ही सूट करती, मेरा वीडियो कोई सूट नहीं करता, इसलिए मैं अभी पहले मंदिर साफ कर लेती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए, मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया। ये मैंने घर में मक्खन निकाला था, ये देखिए मक्खन और मिश्री का, और इसमें
ड्राई फ्रूट है, मखाने, मिश्री, काजू और बादाम, और ये एप्पल, और जितना हो सकता है हम सिंपल तरीके से ही पूजा कर लेते हैं। हम भगवान की पूजा करने लायक तो नहीं है, बट मन को शांति मिलनी चाहिए, ऐसे ही पूजा करनी चाहिए। ये देखिए मेरा मंदिर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने दिया बत्ती कर दिया, मैं शिवलिंग में भी जल चढ़ा दिया, ये मेरी पूजा हो गई। मैंने अभी मॉर्निंग में कान्हा जी को इस चीज़ ये मखाने और मक्खन का भोग लगा दिया, अभी शाम को मैं मीठे का भोग लगाऊंगी, और मुझे मंदिर भी जाना है शाम को, यूनिट में हमारे प्रोग्राम है इसलिए, लेकिन अभी मैंने इतना ही भोग लगा दिया। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैंने पूजा कर लिया और अब मैं पूजा करने के बाद आ गई हूँ। अभी मैं मशीन से कपड़े निकालूंगी और फिर धूप में डालूंगी, क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग में थोड़ी धूप रहेगी, फिर तो बाद में धूप चली जाएगी, इसलिए अभी मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आज है जन्माष्टमी, किस किस का फास्ट है मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरा तो है, और आप लोग जन्माष्टमी का फास्ट रखते हैं ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए मैंने कपड़े बाहर सुखा दिए, धूप आ रही होगी, और अभी कब तक धूप रहती है, कितना जल्दी बारिश आ जाती है, यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए ये कपड़े सूख गए हैं, सुबह मैंने 6 बजे ही कपड़े डाल दिए, एक बार के सूख गए हैं कल वाले, ये आज के हैं। फ्रेंड मैं चाय पीने के बाद, मैं पूजा करने के बाद चाय पी, फिर इसके बाद अभी मैं चाय पी ली थोड़ी देर, फिर अभी कपड़े को बार बार पलटना पड़ता है ताकि जल्दी सूख जाए, और अभी मेरा बेटा उठ गया था, मैंने उसको वो खाने के लिए दिया ब्रेकफास्ट में, जो दूध और चोको खाया उसको, और उसको नहलाया। अभी बच गए हैं 10, अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर उसके लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि अकेले के लिए उसके लिए खाना बनाना है, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, इसलिए मेरे बेटे के लिए ही खाना बनाना है। बस दाल चावल बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, और मॉर्निंग के 5 बजे से काम में लगी हूँ, अभी तक मैं काम ख़त्म हुआ है, अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। मैं थोड़ी देर बैठने के बाद आ गई थी, पैर में महावर लगाया। ये देखिए हमारे एमपी में महावर तो ज़रूरी लगाते हैं, कोई फेस्टिवल होता है तो महावर तो ज़रूर लगाते हैं, और ये देखिए कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा। हमारे एमपी में मतलब जो हमारे हिंदू में तो ज़रूर लगाते हैं, एमपी में हमारे यहाँ महावर ज़रूर लगाते हैं, इसलिए मैंने भी लगा लिया, कभी कभी याद आ जाता तो लगा लेते हैं, इसलिए मैंने भी लगा लिया, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड मॉर्निंग में कितनी तेज़ धूप थी, अब देखिए बज रहे हैं 10, 10:30 हो रहे हैं, और ये देखिए मौसम बारिश वाला हो गया, यहाँ मॉर्निंग में ही थोड़ी बहुत धूप आ गई तो ठीक है, कभी कभी आती है। ये देखिए अभी मैंने कल वाले कपड़े निकाल लिए और आज के कपड़े अभी डले हैं, कभी भी बारिश आ जाएगी तो फिर, इसलिए मैंने आज वाले कल के कपड़े जो सूखे थे उनको निकाल लिए और अभी फिर डाले, अभी थोड़ी देर देखेंगे बारिश आ रही जा रही, बस यही इधर इंतज़ार करते रहते हैं, और इधर यही बारिश ही चलती रहती है, आती रहती है और जाती रहती है, ठीक है। अभी मैं कपड़े निकाल ली हूँ, उन कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दोपहर को खाना वाना बनाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट की, अभी बज रहे हैं 4 और हम जा रहे हैं मंदिर, आपको हम उधर ले चलते हैं। अभी हम ऐसे मंदिर घूमने जा रहे हैं सभी, ये हमारी फ्रेंड है ना आर्मी की, सभी हम फ्रेंड घूमने जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं रात को मंदिर जहाँ कृष्ण जन्म होगा वहाँ तो हम जाएंगे यूनिट में, बट अभी हम ऐसे मंदिर में थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं, फास्ट है, घर में कोई काम नहीं है, काम तो बहुत है बट ऐसे थोड़ा घूम के आते हैं। देखिए फ्रेंड हम मंदिर के लिए निकल गए थे, ये रास्ते का थोड़ा व्यू था, देखिए हमारे इधर कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है, आज तो बस मौसम ये इतना है कि बारिश नहीं हो रही इसीलिए थोड़ा ठीक लग रहा है। ये देखिए ऐसे ऊपर यहाँ के यही रास्ता है ऊपर नीचे पहाड़ियों में, ये देखिए और कैसा लग रहा है हमारे इधर का व्यू मुझे कमेंट में बताइएगा। ये देखिए हम पहुँच गए मंदिर, ये इधर का व्यू देखिए, सूरज डूबने वाला है, ये मंदिर के अंदर का है, देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा है ना, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा कैसे नहीं। ये देखिए ये हमारी फ्रेंड के बच्चे हैं, ये देखिए ये हमारे कैंट के अंदर का मंदिर है, ये फौजी मंदिर है इसलिए कितना साफ सुथरा लग रहा है। देखिए ये देखिए बाहर बाहर का शिलोंग का व्यू देखिए, देखिए कितना अच्छा हरा भरा लगता है,
यहाँ पूरे 12 महीने ऐसे ही दिखेंगे आपको, सिर्फ ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा, बाकी कभी यहाँ तो बारिश बंद नहीं होती इसलिए ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा। ये देखिए और कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मंदिर से आ गई हूँ, अभी बज गए हैं ये देखिए 6:30 हो रहे हैं। मैं कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए खीर बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैं मंदिर से आ गई, अभी थक गए हैं, 4:30 बजे से गए हैं और पैदल ही गए थे क्योंकि कैंट के अंदर तो कोई गाड़ी नहीं चलती, कोई कुछ नहीं, इसलिए हम पैदल ही गए थे। अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो फ्रेंड, मैं मंदिर से आने के बाद भगवान को भोग लगाया, अब बज गए हैं 10। ये देखिए 10 बजने वाले हैं, 10 टाइम हो रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ। अब हम जा रहे हैं अपने यूनिट के मंदिर में और मैं कैसी लग रही मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको फ्रंट कैमरे से अभी पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए फ्रेंड मंदिर पहुंचने के बाद ये देखिए कृष्ण जन्म हो रहा है। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ज़्यादा यूनिट का वीडियो बनाना। ये देखिए हमारे मंदिर में, ये देखिए राधा कृष्ण सबका ये इधर मूर्ति है, और कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए मेरा बेटा सॉरी कान्हा जी को झूला झूला रहा है, और वो जो बाजू में छोटा बच्चा बैठा है वो मेरी फ्रेंड का बेटा बैठा है, कैसा लग रहा है देखिए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आज दूसरी गुड मॉर्निंग हो रही है। कल हम मंदिर से आने के बाद ज़्यादा थक गए थे और 2 बजे तक तो वापस आए, इसलिए वीडियो को एड नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।